गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो एमसीक्यू पे बेस्ड है। अपना डिफरेंशिएशन और क्वांटिटी का जो टॉपिक था उसके जितने भी एमसीक्यू हैं वो आज हम करेंगे। अपने एग्जाम्पल से जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं उनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे, तो वन बाय वन उनको लेके चल रहे हैं। पहला हमारा एमसीक्यू लिखा हुआ ऑलरेडी हमने बोर्ड पर लिख रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स और जी एक्स, और क्वेश्चन उनका ये है कि इनके अंदर से कौन सा ऑप्शन रहेगा जिसमें फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस बनता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि हमारे पास जो एफ एक्स है वो और जी एक्स है वो क्या नजर आ रहे हैं आपको, दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और हमें मालूम है अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन। बट इस केस में डिवीजन वाले में क्या होता है, जी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ये अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम बात करें तो ध्यान से देखिए एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों फंक्शन कैसे गिवन थे हमें, कॉन्टिन्यूस है, एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होंगे। तो हमारे पास ये वाला कॉन्टिन्यूस होगा, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, डॉट वाला कॉन्टिन्यूस होगा। अब बात करें यहाँ पे, अब इस केस के अंदर एफ एक्स और वाई जी एक्स, बट जी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। बट अगर हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन की बात करें तो जी ऑफ एक्स हमारे पास नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वन डिवाइड बाय टू एक्स। अब ये वाला इसमें कुछ नहीं दे रखा भैया, कि कंडीशन नहीं दे रखी कि ये जी नॉन जीरो। अगर यहाँ पे किस पे जीरो बन सकता है, ये वाला डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जीरो बन सकता है एक्स के ऊपर जीरो। सो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा, तो आपके जो डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो यही ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सारे एफ एक्स प्लस जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, ये वाला भी डिफरेंस कॉन्टिन्यूस, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस। बट कहाँ पे आके हमारी कैलकुलेशन, क्योंकि एफ एक्स के बारे में इन्होंने, क्योंकि टू एक्स दे रखा है, नाइन डिफाइन कर रखा है कि एक्स आपका नॉन जीरो रहेगा, तो ये किस पे डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, वेन एवर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पास का फंक्शन एफ एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर फोर एक्स माइनस एक्स क्यूब इज, कहते ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस बनेगा। फर्स्ट में कहता है ए वन पॉइंट पे, सेकंड में कहता है एग्जैक्टली टू पॉइंट, थर्ड में कहता है एग्जैक्टली थ्री पॉइंट, और फोर्थ में कहता है नन ऑफ दीज। तो हमें इसको चेक करना होगा कि फंक्शन कहाँ पे बन रहा है। अभी हमने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है यहाँ पे फोर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फोर एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब ये कंटिन्यूस कब होगा, जब फंक्शन डिफाइन होगा, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, फोर एक्स माइनस एक्स क्यूब यहाँ पे आना चाहिए, नॉन जीरो। बट यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x कॉमन ले लीजिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x और 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। सो x की वैल्यू क्या होगी, या तो आपके पास 0 या 2 माइनस एक्स या 2 प्लस एक्स। तो यहां से कैलकुलेट करें तो 0 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर ये क्या बन सकता था, कॉन्टिन्यूस। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये क्या पॉइंट बन के आया यहाँ से, कि 4 माइनस एक्स क्यूब, 4 एक्स माइनस एक्स क्यूब जहाँ पे जीरो हो सकता था उनको हटाएंगे। हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास बना है रिजल्ट, एक्स की वैल्यू आएगी जीरो और एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, ये थ्री पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या रहेगा, एग्जैक्टली थ्री पॉइंट आपके पास क्या रहेगा, ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑन द सेट, कहते हैं फंक्शन जो कोट एक्स है वो डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पे होगा। तो ध्यान से देखना, फंक्शन जो एफ एक्स है कोट एक्स, कोट एक्स को क्या लिखा जा सकता है, कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। हमारे पास फिर वही सेम बात है कि ये कौन सी फॉर्म है, एफ एक्स बाई जी एक्स वाली फॉर्म है, कोशेंट और यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। अब आप बात यहाँ पे चलेगी कि भाई साइन एक्स जो डिनोमिनेटर है वो जीरो कहाँ पे हो सकता है।
तो उसकी वैल्यू जीरो कहां पे आ सकती है? अब यहां पे देखो साइन एक्स विल इक्वल्स टू जीरो व्हेनेवर एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, कहां पे होता था जीरो, व्हेन एक्स क्या होगा एन पाई पे, तो ये फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस कहां पे होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई वाला, तो यहां पे कौन सा सेट बन के आएगा, तो हमारे पास जो सेट नंबर क्या है इसका, व्हेनेवर एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये फंक्शन एफ एक्स जो कि कोटेक्स बन रहा है आपके पास, ये क्या रहेगा आपका ऑप्शन इसका कि ये फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस रहेगा, इस सेट के ऊपर रहेगा। फिर लास्ट वन हमारे पास फोर्थ है इसका, फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें देखिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है आपके पास e की पावर मॉडुलस ऑफ एक्स, कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सेकंड में कहता है कॉन्टिन्यूअस है डिफरेंशिएबल भी एवरीवेयर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो नन ऑफ अबव, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास ये एफ एक्स दे रखा है, अब इसकी हेल्प से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और हम चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन हमारे पास क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया जी एक्स, और जी एक्स इसके अंदर से इस तरीके से कंसीडर कर लो कि कंपोजिशन बन जाए, और उसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया लेट इट विल बी मॉड ऑफ एक्स, और एक एच एक्स फंक्शन ले लो जो कि ई की पावर एक्स होगा, ये दो फंक्शन हमने ले लिए। अब इन दोनों फंक्शन से हम कंपोजिशन बना रहे हैं जो कि एफ ऑफ एक्स होगा, और वो कंपोजिशन किस तरीके से बनेगी कि जी ऑफ एच एक्स हमारे पास कैसा है मॉडुलस फंक्शन है, और आपके पास एच एक्स कैसा फंक्शन दे रखा है इरे टू पावर एक्स दे रखा है, सो आपको क्या करना है यहां से इसकी कंपोजिशन बनानी है, तो आप एच ऑफ जी एट एक्स ऑपरेट करके देखिए क्या बनने वाला है, यहां से एच जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, जी ऑफ एक्स हमारे पास है मोड ऑफ एक्स, ऑपरेट क्या करना है एच, एच कैसे ऑपरेट होता है इसकी पावर, तो ये हमारे पास एफ एक्स बन गया। अब ध्यान से देखो आपके पास मॉडुलस फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होता है जी हाँ कॉन्टिन्यूस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है जी कॉन्टिन्यूस होता है, तो दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है बट मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल नहीं है, भैया किस पे नहीं है जीरो पे, तो आपका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होता है परंतु डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो जो गिवन फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें गिवन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये क्या होगा आपके पास कॉन्टिन्यूस तो होगा परंतु डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के ऊपर। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द सेट ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स, क्या फंक्शन गिवन है इसको हम नोट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स गिवन क्या है हमारे पास, सो मैग्नीट्यूड ऑफ 2x माइनस 1 इनटू साइन एक्स, अब क्वेश्चन ये है कि ये डिफरेंशिएबल होगा, तो आपको कौन से सेट ऑफ पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसका आंसर देना है, क्या सभी रियल नंबर पे गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, क्या पॉजिटिव रियल नंबर पे होगा, क्या रियल नंबर में से एक पॉइंट निकला हुआ है माइनस 1 बाई सॉरी 1 बाई 2, नन ऑफ दीज, तो इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 इनटू साइन एक्स, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम किस पे चेक करने जा रहे हैं, एक्चुअली ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पे, तो इस पे हमें चेक करना है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बन रहा है ध्यान से देखिएगा, हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 बाई 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बाई 2 ओवर एक्स माइनस 1 बाई 2, आप पुट क्या करेंगे यहां पे, आपको पुट करना है एक्स को 1 बाई 2 या आप यहां पे लिख लीजिए पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 माइनस एच, तो यहां से लिमिट चेंज होगा एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 बाई 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2 माइनस एच माइनस 1 बाई 2, अब हम सोल्व करते हैं इसको, तो 1 बाई 2 कैंसिल आउट, यहां पे हमें चेक करना था, तो लिमिट एच टेंस टू 0 क्या बन रहा है फंक्शन में रख दीजिए वैल्यू, फंक्शन यहां पे है, अब x की जगह हमें रखना है, तो 2 इंटू एक्स 1 बाई 2 माइनस एच माइनस 1 का मैग्नीट्यूड और साइन
वन बाई टू, ये वाला वैल्यू इसमें आपको क्या रखना है, x की जगह वन बाई टू माइनस एच, माइनस जीरो डिवाइड बाई माइनस एच। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा, h को जीरो रखना है अपन को, तो क्या रिजल्ट बन के आ रहा है हमारे पास फंक्शन में, यहां से बना आपका रिजल्ट मॉडुलस ऑफ वन बाई टू माइनस एच। जैसे ही आप इसको रखोगे वन बाई टू माइनस एच, आपका रिजल्ट क्या बन के आया है यहां से, टू इंटू वन बाई टू माइनस ऑफ एच, तो रिजल्ट आपके पास आ रहा है यहां पे माइनस का टू एच। इसको सोल्व करते हैं तो यहां से क्या बनेगा, वन माइनस टू एच माइनस वन का मैग्नीट्यूड साइन वन बाई टू माइनस एच डिवाइड बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो यहां वन से वन कैंसिल हो गया, माइनस वन बाई टू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव में वन बाई टू टू हो गया, तो यहां से एच कैंसिल आउट, तो अब आपके पास जो क्या क्या बना नीचे माइनस वन, यहां से रिजल्ट, तो आपके पास ये बनेगा माइनस टू साइन वन बाई टू। और इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव को सोल्व करते हैं तो उसमें क्या बना, लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई टू पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाई टू ओवर एक्स माइनस वन बाई टू। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस एच रखने के बाद, तो हमारे पास बनेगा एच टेंस टू जीरो एफ ओ वन बाई टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन बाई टू डिवाइड बाई एच। और जैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां से रिजल्ट क्या बनेगा आपको रखना है, टू इंटू वन बाई टू प्लस एच माइनस वन का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे साइन वन बाई टू प्लस एच माइनस, इसका रिजल्ट जीरो बना डिवाइड बाई एच। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखेगा, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू और टू तो वन बन गया, यहां से टू एच, वन से वन कैंसिल, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, टू एच का मैग्नीट्यूड साइन वन बाई टू प्लस एच डिवाइड बाई एच। और जैसे इसका मैग्नीट्यूड आएगा पॉजिटिव में बनेगा, एच से एच कैंसिल आउट और लिमिट क्या बन गई, एच टेंस टू जीरो। अब आपके पास यहाँ पे जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे टू साइन वन बाई टू बना, तो ये वाला नेगेटिव में आया, ये पॉजिटिव में आया, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब आपका पास ऑप्शन कौन सा होगा, बी, क्योंकि इसमें दे रखा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन बाई टू, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वन बाई टू पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हमारे पास जो सिक्स सम लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिख रखा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, और एक्स के बारे में लिख रखा है यहाँ पे कि जो एक्स फंक्शन में गिवन है वो क्या है, नॉन जीरो, जीरो नहीं है, जो फंक्शन में एफ एक्स है, ये एफ एक्स के अंदर जो एक्स है वो नॉन जीरो है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एफ निकालनी है कहाँ पे, निकालनी है जीरो पे, शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले जो गिवन है उसके लिए चल लो, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर साइन वन ओवर एक्स, और फंक्शन सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये गिवन है। सो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ जीरो। अब कहता है क्या, कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन से फंक्शन में हमारे पास बनेगा यहां से, तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी बतानी है, एफ ऑफ जीरो पे रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, जैसे ही हम लिमिट लगाते हैं ध्यान से देखिएगा, देखो साइन एक्स वन बाई एक्स दे रखा है, तो साइन एक जो इसकी वैल्यू आती है, इसकी रेंज जो होती है वो माइनस वन के वन के बीच में रहती है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन वन ओवर एक्स। यहां पे ये वाला देखो, ये इसको जीरो बनाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, क्वांटिटी लाइज बिटवीन वन एंड माइनस वन, ये जो रिजल्ट होगा ये वन या माइनस वन के बीच में लाई करेगा, तो आपके पास जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट क्या आने वाला है, जीरो। सेम वे यहां से अगर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देखे तो वो भी क्या बनेगा, जीरो। तो यहाँ पे वो कहता था फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट, जो कि आपके पास आना चाहिए जीरो। देखो बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स एम एक्स प्लस वन व्हेनेवर एक्स लेस देन पाई बाय टू एंड साइन एक्स प्लस एन इफ एक्स ग्रेटर देन पाई बाय टू इज कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू।
कहता है गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पाई बाय टू पे, तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा रिलेशन बनने वाला है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी का फंक्शन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। फंक्शन क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस बनेगा। हमें सिर्फ यही वर्क पे चलना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू नेगेटिव एफ एक्स, एफ ओफ एक्स बना क्या है, फंक्शन हमारे पास है एम एक्स प्लस वन। आप x को पुट कर दीजिए पाई बाई टू माइनस एच, तो लिमिट क्या चेंज होगी, एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो। आपको क्या रखना था, एम एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एच प्लस वन। जैसे ही आप एच को जीरो रखोगे, आपके पास आंसर क्या बना लेफ्ट हैंड लिमिट का, ये आपके पास आ जाएगी एम पाई बाई टू प्लस वन। राइट हैंड लिमिट को सोल्व कर लीजिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू पॉजिटिव, क्या फंक्शन गिवन है, फंक्शन है साइन एक्स प्लस एन। एक्स को पुट करेंगे आप पाई बाई टू प्लस एच, तो लिमिट चेंज हो जाएगी एक्स टेंस टू जीरो साइन पाई बाई टू प्लस एच प्लस एन। तो यहां से जैसे ही आप सोल्व करोगे पाई बाई टू प्लस एच क्या बनेगा, कोस एच प्लस एन, और लिमिट क्या चल रही थी एच टेंस टू जीरो, तो कोस जीरो पे होता है वन, तो यहां से आया वन प्लस एन। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या बनी, लेफ्ट आपका रिजल्ट ये है, राइट क्या बना आपके पास, राइट हैंड लिमिट जो बन के आई है वो आपके पास है वन प्लस एन। दोनों को इक्वल रख दीजिए, तो यहां से जैसे हम इक्वल रख रहे हैं इनको, क्या रिजल्ट बन रहा है, एम पाई बाई टू प्लस वन किसके इक्वल आया, एन प्लस वन, वन से वन कैंसिल आउट, सो एम पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या बना एन। अब आपके पास ये रिजल्ट गिवन है कहां पे है, एन इज इक्वल टू एम पाई बाई टू, तो आपका ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट है जो कि एट पे है आपका, क्या कुछ गिवन है, पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम सॉल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहले दे रखा है एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, देन कौन सा इनमें से बनेगा, ऑप्शन नंबर वन एफ इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, कहता है एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा हर एक पॉइंट के ऊपर, एफ एक्स डिफरेंशिएबल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, एफ एक्स इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन इन टू 2n pi, 2n plus 1 into pi by 2, तो कहता है यहाँ पे ये वाला आपके पास ऑप्शन रहेगा कि fx क्या रहेगा 2n plus 1 into pi by 2, एक्चुअली ये इसके ऊपर odd multiple of pi by 2 दे रखा है, और ऑप्शन नंबर 4 none of these। सॉल्व करते हैं इसको, सबसे पहले f of x आपके पास है, हम कंसीडर कर लेते हैं gx जिसको हमने रख लिया mod of x, h of x हमने रख लिया sin of x, तो दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है, तो हम एक काम करते हैं एफ ऑफ एक्स को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, इसकी कंपोजिशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि इसकी कंपोजिशन आएगी आपके पास और वो क्या आएगी, जी ऑफ एच एट एक्स ऑपरेट कर दे, तो यहां से जी एच एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एच एक्स साइन एक्स, तो हमारे पास बना साइन एक्स, और बाहर क्या है जी, जी ऑपरेट कैसे होता है, जी एक्स पे आता है मैग्नीट्यूड बन जाता है, तो यहाँ पे किसका बनेगा, साइन ऑफ एक्स का। अब ध्यान से देखो, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है और ये है साइन फंक्शन, हम जानते हैं दोनों के दोनों फंक्शन, ऑलरेडी बताया जा चुका है कि फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो कॉन्टिन्यूस तो है, परंतु आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एच एक्स जो गिवन है वो कैसा फंक्शन है, साइन एक्स, और साइन एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, कहाँ पे, where x is equals to n pi, और n कहां से आता है, इंटीजर से, ये अभी कुछ देर पहले आपको करवाया गया, वही रिजल्ट सेम आ रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा whenever x is equals to n pi। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा नजर आया आपको, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equals to n pi, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बेस द राइट आंसर, ये हमारे पास रहेगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है,
y इज इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर फाइन dy बाय dx। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है और कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आने वाला है। तो ध्यान से देखिए, जो y गिवन है हमारे पास वो क्या है, y है log 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन हमें करना, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, डेरिवेटिव करना है। तो आप सबसे पहले y इज इक्वल टू लॉग अप्लाई कर दीजिए प्रॉपर्टी m बाई n, m माइनस n, तो लॉग 1 माइनस x स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो dy बाई dx क्या बन के आएगा, लॉग का क्या होता है 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर का क्या होने वाला है माइनस 2x। माइनस इसमें क्या होगा 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर का क्या होगा 2x। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ध्यान से देखिएगा, ये बना माइनस 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ये बना 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। इन दोनों के अंदर से अगर हम सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं 2x विद माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम कॉमन लेंगे ये बना 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप यहां से माइनस 2x बना, आप एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर, क्या बनेगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल आउट क्या बना 2, 2 और 2 क्या बना माइनस 4x डिवाइड बाई a प्लस b, a माइनस b वाला 1 माइनस x की 4। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव का आंसर हो गया और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 10, क्या गिवन है y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई स्केयर दी रूट दे रखा है, कहता है इसका डिफरेंशिएशन आपको कैलकुलेट करना है और हम डिफरेंशिएशन इसका कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, एक तो सबसे सिंपल है कि आप लोग यहां पे जो y है इसकी सबसे पहले तो इसको लिख लो साइन x प्लस वाई हैविंग पावर 1/2, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो आपके पास क्या बनेगा, एक तो ये कर लो स्केयरिंग बोथ साइड, जैसे आप स्केयर करोगे क्या रिजल्ट आया, वाई स्केयर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये बन गया। अब आप एक काम करो वाई स्केयर माइनस वाई, वाई की टर्म लेफ्ट में ले आओ राइट में साइन एक्स रख लो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, देखो वाई स्केयर का 2y और y का dy बाई dx, नेक्स्ट क्या है y, इसका क्या बनेगा dy बाई dx, इसका साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा cos x। इन दोनों से dy by dx को कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा 2y minus 1 और यहां से बन गया cos of x। So dy by dx की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या बना cos of x divided by 2y minus 1, that means आपका जो आंसर राइट था वो आपका फर्स्ट था जो कि cos of x और क्या है 2y minus 1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब ये हमारे पास इसका राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके पास है, द डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और क्या करना है कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स x, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होता है डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव कैसे करेंगे कि आपके पास सबसे पहले फर्स्ट जो फंक्शन है उसको कंसिडर कर लीजिए और क्या कुछ गिवन है हमारे पास, देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे आपने मानना है लेट y इज इक्वल्स टू, ये मैं आपको एनसीईआरटी बेस भी करवा रहा हूँ, दोनों में आप यूज कर सकते हो। अगर एनसीईआरटी में ये सम आता है तो कैसे सोल्व करेंगे उसमें, cos इज मस्ट टू टाइम्स ऑफ x के एरिया एग्जाम, और सेकंड को हमने मान लेना है z जो कि cos इनवर्स x। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि डिफरेंशिएशन हमें करना है ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू z, दैट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है dy by dz को सोल्व करना है, क्या रिजल्ट बनेगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो हमें ये कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट वन y का dy by dx हमें कैलकुलेट करना है। पहले क्या बनेगा cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ या माइनस 1 ओवर 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल है 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2x स्क्वायर का क्या बनने वाला है, ये आपके पास आएगा 4x, क्योंकि 2 कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x, तो हमारे पास जो रिजल्ट बन के आया माइनस 4x डिवाइड बाई
स्केयर दी रूट वन माइनस टू टाइम्स एक्स स्केयर माइनस वन होल स्केयर। और फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना है, सेकेंडली जड़ का, जड़ का डेरिवेटिव होगा डी जड़ बाई डी एक्स, क्या बनेगा कोस इनवर्स का वन ओवर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट हमारे पास क्या बन के आएगा ध्यान से देखिएगा। तो इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम देखते हैं, माइनस फोर एक्स ओवर वन माइनस इसका होल स्केयर बना लीजिए, तो ये बनेगा फोर एक्स की पावर फोर प्लस वन माइनस फोर एक्स स्केयर, बाहर नेगेटिव है सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव ये माइनस का होगा ये भी माइनस का होगा और आपके पास रिजल्ट बन गया फोर एक्स स्केयर, वन और वन कैंसिल आउट, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बना माइनस फोर एक्स की पावर फोर प्लस फोर एक्स स्केयर और ये अनरूट के अंदर बन रहा है हमारे पास। तो इसके अंदर से फोर कॉमन आ रहा है और एक्स स्केयर, अगर हम फोर और एक्स स्केयर को रख लेते हैं तो यहां से बना माइनस एक्स स्केयर प्लस वन और इसके ऊपर अनरूट है तो ये अनरूट से फ्री होके आएगा, तो यहां से रिजल्ट क्यों बन के आएगा, ये तो माइनस फोर एक्स था, यहां से आपके पास बना 2x और इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x से x कैंसिल और यहां से 2, तो ये रिजल्ट बना माइनस टू डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास यहां से जो रिजल्ट बन के आ रहा है वो क्या बन रहा है, ये वाला, ये इसका डेरिवेटिव हमें इसका यूज करना था, सो dy बाई dz आप सोल्व की दीजिए इस रिजल्ट को, dy बाई dx क्या लिखेंगे इसको और ओवर डी जेड ओवर डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबसे पहले y वाली टर्म ये है माइनस टू ओवर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी जेड ओवर डी एक्स, क्या बना यहां से वन ओवर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन था कोस इनवर्स था ये नेगेटिव में था बेटा, तो ये भी नेगेटिव, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है टू, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये राइट होगा। अभी आपको क्या करना है बेटा, हमारा जो नेक्स्ट सम है वो है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू टी क्यूब, ये गिवन है, कैलकुलेट करना है डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो उसपे जाने से पहले हम क्या करेंगे दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव करते हैं, डी एक्स बाई डी टी 2 टाइम्स ऑफ t, dy by dt 3 टाइम्स t स्क्वायर, हमें निकालना है पहले dy by dx निकालिएगा आप लोग, क्या आएगा रिजल्ट dy by dt डिवाइड by dx by dt, so dy by dt का रिजल्ट हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर डिवाइड by 2 टाइम्स ऑफ t, so रिजल्ट क्या बना 3 by 2 t, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया है, बट हमें क्या करना था डबल डेरिवेटिव चाहिए था, सो जो कि हमारे पास अभी रिजल्ट्स बना dy by dx क्या बन के आया है 3 by 2 times of t, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन ये आप लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, अब की बार किसके रेस्पेक्ट में करना है x, सो लेफ्ट में तो बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यहाँ पे 3 by 2 कॉन्स्टेंट है इसका बनेगा डी टी वाई डी एक्स, अब dt टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है और वो वैल्यू आपको नजर आ रही है यहाँ पे, देखिए dt टी डी एक्स बाई डी टी एक्स का जस्ट हमें क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, जैसे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1 ओवर 2 टाइम्स ऑफ t, तो जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ 3 ओवर 4t, ये आपके पास देखिए ध्यान से 3 ओवर 4t ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है वैल्यू ऑफ सी निकालनी इन द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, और रोल्स थ्योरम में अगर याद हो तो डायरेक्टली हमें क्या निकालना होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, यहां से हमें सी की वैल्यू निकालनी, तो सिंपली हमें क्या करना है थ्री टाइम्स इसका डेरिवेटिव कर दीजिए पहले एफ डैश एक्स, क्या बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो यहां से बनेगा थ्री स्क्वायर माइनस थ्री जीरो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो सी की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस वन, बट सी की वैल्यू वन हमारे इंटरवल में लाई करती है माइनस वन नहीं करती है, तो आपका ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें कहता है क्वेश्चन सेम है, कहता है हमें सी की वैल्यू को निकालना है, फंक्शन दे रखा है हमारे पास एफ ऑफ एक्स
एक्स प्लस वन बाई एक्स, और इंटरवल दे दिया उन्होंने 1 to 3, बट हमें किसका यूज करना है अगली बार, वो कहता है LMV, लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करना है। और ये थ्योरम क्या कहती थी कि एफ डैश सी जो होगा वो किसके इक्वल होता था, एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए ओवर बी माइनस ए। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। एफ डैश एक्स क्या बनेगा, एक्स का 1, इसका 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश सी क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ओ बी, एफ ओ बी का मीनिंग क्या होगा, एफ ओ 3 माइनस एफ ओ 1 ओवर 3 माइनस 1। तो 1 ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर बिकम इक्वल टू एफ ओ 3, अगर हम रखें फंक्शन में सी, तो ये बनेगा 10/3 माइनस, यहां पे 1 रखते हैं तो 1 और 1 2 डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से बनेगा 3 to 6 और ये बन गया 4/6, तो इसको लिख सकते हैं 2/3। सो 1 माइनस 1 ओवर सी स्क्वायर 2/3 बना, 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1 ओवर सी स्क्वायर, तो यहां से 3 माइनस 2 1/3 इज इक्वल टू 1/c², तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सी की वैल्यू क्या बन गया आएगी, √3। अब प्लस माइनस, बट इसके अंदर आप लोग देखिए 1 ओवर रूट, इस इंटरवल के अंदर नेगेटिव तो होगा नहीं, तो सी की वैल्यू क्या बनेगी, √3 इसमें लाई करेगी, और आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या होगा, राइट आंसर। तो बेटा ये आपके एमसीक्यू थे, जो आपके एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यू हमने कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा आपका ट्यूजडे को, और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग के जितने भी डाउट हैं आप मंडे तक अपने सारे डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हम मंगलवार से शुरू करने जा रहे हैं, तो वो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा और बिल्कुल नया होगा। सब लोग आपका ध्यान से, जितने भी नए स्टूडेंट भी जुड़े हैं वो भी ध्यान दें उस टॉपिक को करें, उसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही।